नमस्कार साथियों, कल अपन देख रहे थे राष्ट्रपति वाला पॉइंट और राष्ट्रपति में अपन ने दो आर्टिकल देख लिए थे, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अब दोस्तों, जो पूरी व्यवस्था है 52 से लेकर के 62 तक अपना आर्टिकल वाली व्यवस्था देख रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है विथ आर्टिकल वाला। तो 52 और 53 की व्यवस्थाएं तो देख ली थी अपन ने, आज अपन शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 54 से। देखिएगा, अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी को अपन कह सकते हैं चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, शुद्ध शब्द तो यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन यहां से जो अर्थ निकलेगा वो अपन ये ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। सुनना एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब इस निर्वाचक मंडल में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है रीट के अंदर ही। तो सुनना कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सुनना दोस्तों, संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इन दोनों सदनों में दो प्रकार के सदस्य बैठते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत होते थे, एंग्लो इंडियन, जिनको 104वें संविधान संशोधन के तहत ये एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो दो प्रकार के सदस्य हो गए, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित, निर्वाचित, निर्वाचित। तो पहला पॉइंट ये आ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्लियर। इसके बाद में नंबर दो, और कौन भाग लेता है। तो देखिएगा, संसद का मतलब केंद्र आ गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी भाग लेते हैं, और राज्य में क्या है, विधानमंडल, और विधानमंडल के दोस्तों दो सदन हैं, एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधानसभाओं के ही
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, दो पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की ओर ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? दिल्ली और पुद्दुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुद्दुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं थी, और इन दोनों में जो विधानसभा है तो विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुद्दुचेरी विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यार, अनुच्छेद 54 कहना क्या चाह रहा है? अनुच्छेद 54 ये कहता है, दोबारा समझ लीजिएगा, कि राष्ट्रपति के चुनाव में, एक एक पॉइंट को पकड़ो, कि राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखो, केंद्र, और केंद्र में कौन आ गई? संसद। तो संसद के दोनों सदनों के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, फिर केंद्र के बाद में आ जाओ राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट में, और राज्यों में वही बात कर रहा हूं मैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, आपको फंसाएगा यहां पे। और अगर छोटी सी भी आपने मिस्टेक की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, दो पॉइंट क्लियर। फिर केंद्र शासित प्रदेश में आओ, केंद्र शासित प्रदेश, पहले की बात कर रहा हूं मैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, और 7 में केवल दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुद्दुचेरी, और दिल्ली और पुद्दुचेरी ही भाग लेते थे। क्यों भाग लेते थे? क्योंकि इन दोनों में क्या थी? विधानसभा। तो दिल्ली एवं पुद्दुचेरी विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, क्लियर। इसके बाद में सुनना दोस्तों, देख लो आराम से, इसके बाद में है अपना कि दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं को कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया था दोस्तों 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली एवं पुद्दुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, तो कौन सा आ जाएगा? 70वां संविधान संशोधन 1992। ये तो बात हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं इसकी। मेरे साथ साथ बोलना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट याद करो, संसद। अब उठा दो, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नंबर दो, विधान परिषद या विधानसभा, विधानसभा, और विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद में सभी केंद्र शासित प्रदेश या दो केंद्र शासित प्रदेश, तो दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुद्दुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं को
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्लियर। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसी में विशेष, और विशेष में सुनना कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, और 50 क्या होते हैं, अनुमोदक, 50-50। क्लियर। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है जमानत राशि, और राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है बताना, तो ये होती है दोस्तों 15,000। क्लियर। तीसरा, कुल डाले गए वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, भाग प्राप्त करना होता है, अन्यथा जमानत जब्त हो जाती है। कि डाले गए मतों का कितना भाग प्राप्त करना होगा, 1/6, जैसे 1,000 मत पड़े तो इसका 1/6 भाग कम से कम प्राप्त करना होगा, अन्यथा जो जमानत राशि है कितनी थी 15,000, ये क्या हो जाती है, जब्त। और जब्त होकर के, और ये कहां पर जमा हो जाती है, ये दोस्तों जमा हो जाती है RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाती है। दोबारा सुन लो, पहला सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, जमानत राशि कितनी होती है 15,000 होती है, कुल डाले गए मतों का कितना भाग प्राप्त करना होता है, 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, अन्यथा जमानत क्या हो जाती है, जब्त। और ये 15,000 रुपए फिर कहां जाके जमा हो जाते हैं, RBI में जमा हो जाते हैं। ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 54। क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन सुनना, देख लीजिएगा आराम से, लेकिन क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए दोस्तों, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कथनों को जांचिए, इस प्रकार एक रीट में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, इसके चुनाव में सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। तीसरा, इसके चुनाव में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होते हैं। चौथा, इसके चुनाव में विधान परिषद के
भाग लेते हैं। पांचवा, इसके चुनाव में सभी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार जैसे मैंने पांच दे दिए आपको, अभी पांच पॉइंट दिए हैं, ये मैंने अनुच्छेद 54 से संबंधित दिए हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन इसलिए बीच बीच में देता हूं कि आपके माइंड में हमेशा वो सिस्टम या अनुच्छेद 54 है या कोई भी अनुच्छेद है वो तैयार होता रहे। देखिएगा, अनुच्छेद 54 के बारे में कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कथनों को जांचिए। अब आप मेरे को दोनों बताओगे कि सत्य कथन तो इसमें कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है। आपके सामने है दोस्तों, पहला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों राइट या रोंग, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। दूसरा, इसके चुनाव में सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। सही या गलत? बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है, गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके चुनाव में केवल दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के ही सदस्य भाग लेते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली और पुद्दुचेरी को शामिल कब किया गया है? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्लियर? तीसरा, ये राइट हो गया, ये रोंग हो गया। इसके चुनाव में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होते हैं। अभी बताया था मैंने राष्ट्रपति के विशेष पॉइंट में कि 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 क्या होते हैं? अनुमोदक। तो इसका मतलब तीसरा राइट आपका। चौथा, इसके चुनाव में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों यहां पर अपन अक्सर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अपन को ये तो ध्यान है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन अपन पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं। देखो लिखा क्या है यहां पर, विधान परिषद। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं दोस्तों, केवल विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। पांचवा, इसके चुनाव में सभी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, भी भाग लेते हैं। बताना दोस्तों सही या गलत? विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये दोस्तों, ये भी आपका क्या हो गया? गलत। अगर अनुच्छेद 54 आपके तैयार है तो ये मानना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहे 7 ऑप्शन दे दे, चाहे 6 पॉइंट दे दे, चाहे 10 पॉइंट दे दे, फिर चाहे आपसे हल करवा दे अनुच्छेद 54, आप क्लियर कर देंगे उसको। लेकिन कंसेप्ट में यदि मिस्टेक होता है तो ये मानना कहीं ना कहीं आपकी इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होगी? समस्या। तो सही कौन से हो गए? सही आपके हो गए 1 और 3। 1 और 3 तो आपकी क्या हो गई? राइट। और 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 ये आपकी क्या हो गई दोस्तों? रॉन्ग। बताओ दोस्तों अनुच्छेद 54 में कोई समस्या है? देख लीजिएगा आराम से। यह था आपका अनुच्छेद 54। अब मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 55 की। दोस्तों एक एक अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ओब्लिक विधि।
कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, सुनना, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस विधि से होता है, किस प्रकार से होता है। बड़े आराम से समझना दोस्तों, एक एक पॉइंट समझना है। सुनना पहला पॉइंट, पहले तो मैं सामान्य सामान्य चीज बताऊंगा आपको, फिर इसका अपन डीपली अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 55 का। देखिएगा, चुनाव दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब तो है जब जनता स्वयं भाग ले, आप हम सभी भाग ले, वो तो होता है प्रत्यक्ष। जैसे आप लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाते हो या विधानसभाओं के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो वो होता है प्रत्यक्ष। एक चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता पहले अपने कैंडिडेट चुनेगी और फिर वो कैंडिडेट हैं, जैसे हमारे एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं, वो एमपी और एमएलए किसी तीसरे व्यक्ति का चुनाव करें, वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष। तो चुनाव कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या जनता भाग लेती है? आप कहोगे जी सर नहीं लेती है। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ क्या अप्रत्यक्ष हुआ? तो पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर। नंबर दो, किस प्रणाली के तहत होता है? तो याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। क्लियर। दो पॉइंट कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव ठीक है अप्रत्यक्ष हो रहा है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हो रहा है, लेकिन खुला मतदान होता है या गुप्त मतदान होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त मतदान से। और ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ये कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों आयरलैंड से। देखो, ये चीजें तो आपको सामान्य तीन चीज तो याद रखनी है, साथ साथ रिवाइज करो मेरे, कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, नंबर दो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, नंबर तीन गुप्त मतदान होता है। और इसी में विशेष पॉइंट याद रख लेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहां से ली गई है, आयरलैंड से। ये तो ये हो गया सामान्य सी बात, अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई है और गुप्त मतदान होता है। अब दोस्तों, मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं वो ये समझना है कि ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे यहां राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले तीन पॉइंट तो आपके जहन में आ जाने चाहिए, माइंड में घुस जाने चाहिए, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमण मत प्रणाली और गुप्त मतदान होता है। अब मैं बात कर रहा हूं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो दोस्तों, ये जो मत प्रणाली है इसका पूरा नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में इस मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, किसका, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब दोस्तों, जितना बड़ा नाम है प्रोसेस भी उतनी ही लंबी है, लेकिन यदि आज आपने ढंग से सीख लिया तो जिंदगी में आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव
इस मत प्रणाली से किस प्रकार किया जाता है। कुछ सीखो, डीपली सीखो, अच्छे से सीखो। वैसे अनुच्छेद 55 को अपन 3 पॉइंटों पर भी पूरा कर सकते हैं, जो अभी मैंने 3 पॉइंट बताए थे। लेकिन दोस्तों ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए हमें। तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन बात करते एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। देखिए पूरा नाम क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपको नाम से दिखाई दे रहा है इसके दो भाग है, यानी इसके दो शब्दों से मिलकर के ये बनी हुई है। एक तो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अर्थात ये प्रणाली दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, पहला समानुपातिक प्रतिनिधित्व है और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं दोस्तों पहले पॉइंट पे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। सुनना दोस्तों, पर जिसका सामान्य अर्थ देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना, कि राष्ट्रपति के चुनाव में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब किन किन को दिया गया है, एक एक पॉइंट बड़े गौर से समझना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या हो गया, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना। लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव में समान अनुपात में किसको दिया गया है प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 54 में, याद दिला रहा हूं आपको, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे थे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं वो कहां बैठते हैं, केंद्र पे, सेंटर में, संघ सरकार में बैठते हैं। तो इसका मतलब समान प्रतिनिधित्व किस किस को दिया गया है, एक तो दिया गया केंद्र को, प्लस नीचे आओ वो अनुच्छेद 54 में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित सदस्य। तो ऊपर संसद का मतलब तो केंद्र भाग लेता है एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में, और विधानसभा का मतलब है एक भाग लेते हैं राज्य, यानी केंद्र एवं राज्य दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। पॉइंट क्लियर दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाने का अर्थ क्या है, केंद्र एवं राज्य दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्लियर? अब सुनना साहब, केंद्र में कौन बैठते हैं ये बताओ, संसद में, केंद्र का मतलब अपन ये कह सकते हैं संसद, और राज्य का मतलब अपन ये कह सकते हैं विधानसभा। संसद में बैठने वाले को अपन कहते हैं एमपी या सांसद, और विधानसभा में बैठने वाले को अपन कहते हैं एमएलए या अपन कह सकते हैं विधायक। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया कि ये सांसद कहां से आया, अरे विधायक कहां से आया। क्लियर? अब अपन देख रहे हैं समान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि केंद्र और राज्यों को दोनों को समान रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो साहब ध्यान रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समान प्रतिनिधित्व निकालने के लिए हमें इनका मत मूल्य निकालना पड़ता है। विधायक का मत मूल्य भी निकालेंगे, एमएलए का भी मत मूल्य निकालेंगे अपन, और एमपी / सांसद का भी मत मूल्य निकालेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, समान प्रतिनिधित्व निकालने के लिए मत मूल्य। क्लियर? तो अब मैं बात कर रहा हूं विधायक, पहले अपन ये लेंगे
विधायक का मतलब एमएलए प्लस सांसद प्लस सांसद, और सांसद का अपन कहेंगे एमपी। विधायक प्लस सांसद का मत मूल्य ज्ञात करना। समान प्रतिनिधित्व में अपन किस किस का मत मूल्य ज्ञात करेंगे? एमएलए का और एमपी का मत मूल्य क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। और इन दोनों का जब मत मूल्य ज्ञात करेंगे और वो दोनों का जो मत मूल्य आएगा उसी का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। क्लियर दोस्तों? अब मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसी में एक विधायक ओब्लिक एमएलए का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। सुनना दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं मत मूल्य की। तो एक जो विधायक है, एक एमएलए है, उसका मत मूल्य निकालने का या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताना बताया हुआ है, अच्छी प्रकार से समझाया हुआ आपको। तो इसका सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक या एमएलए गुणा 1/1000। ये एक एमएलए का मतमूल्य निकालने का सूत्र होता है दोस्तों। कि एक विधायक का मतमूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? सीधा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा, एक राज्य का निकाल रहे तो उस राज्य में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कुल कितने निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो लिखेंगे, और गुणा 1/1000। क्लियर दोस्तों? सूत्र याद हो गया, राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक या एमएलए गुणा 1/1000। क्लियर? अब यहां पे एक विशेष पॉइंट सुनना दोस्तों, मैं इस जनसंख्या की बात कर रहा हूं कि राज्य की कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है अपना, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष किसे माना गया है? याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनगणना को माना गया है। दोस्तों अभी 2011 की जनगणना है, ये 2011 की जनगणना नहीं रखेंगे अपन। राष्ट्रपति के चुनाव में परजेंट जनगणना काम में नहीं आती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष कौन से वर्ष की जनगणना मानी गई है? 1971 की जनगणना को। क्लियर? इसके बाद में दोस्तों एक संविधान संशोधन लाया गया, 84वां संविधान संशोधन। और इस 84वें संविधान संशोधन के तहत इस 1971 की जनगणना को कहां तक यथावत कर दिया? तो याद रखिएगा 2026 तक। दोस्तों ये पॉइंट आपके पहली बात तो स्पेशल समझ में आना चाहिए। वापस सुन लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष किसे माना गया है? 1971 की जनगणना को माना गया है। नंबर दो, कौन से संविधान संशोधन से इस 1971 की जनगणना को कहां तक यथावत कर दिया गया है? तो संविधान संशोधन कौन सा है? 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 1971 की जनगणना को कहां तक यथावत कर दिया है? 2026 तक। क्लियर दोस्तों? इतना इतना समझ में आया। अब अपन विधायक का मत मूल्य निकालेंगे। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं,
सुनना दोस्तों, समझते जाना आराम से। इसी सूत्र की बात करें एक एमएलए का मत मूल्य निकालने की, कि राज्य की कुल जनसंख्या, अब आपके माइंड में 2011 6.86 करोड़ वो नहीं है, अपन को लेना है 1971 की जनगणना को। तो राजस्थान की 1971 में कुल जनसंख्या कितनी थी वो रख दो, रटना नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। तो जैसे राजस्थान की थी 2,57,00,000 या 58,00,000, क्लियर, 2.57 लाख हो गई, या कह सकते हो 2,57,68,336 कुछ भी रख दो, समथिंग रख दो, 2,57,58 के समथिंग, क्लियर। इसके बाद बटा कुल निर्वाचित विधायक, राजस्थान में कुल कितने एमएलए हैं, कितनी सीट हैं, 200, तो बटा कर दिया आपने 200, क्लियर दोस्तों, और गुणा 1/1000, ठीक है दोस्तों। ये अपने 2.57 एक अनुमान माना है कि शायद 2.5 करोड़ की लगभग जनसंख्या होगी 1971 में। अब जैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे इन सभी को, तो इसका एक मत मूल्य निकल के आएगा एक एमएलए का 129, कितना निकल के आएगा 129, यानी राजस्थान का एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है 129। एक का निकल के आया दोस्तों, सभी का नहीं निकल के आया है। अब कितने हैं कुल एमएलए का मत मूल्य, देखो राजस्थान का कुल एमएलए का मत मूल्य राजस्थान का तो कितना हो गया 129 गुणा 200, एक एमएलए का 129 है, कुल कितने हैं 200 हैं, तो टोटल कितना हो गया 25,800। एक तो आप ये याद रखोगे क्योंकि पूछा जा सकता है रीट के एग्जाम में, हो सकता है राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान का एक एमएलए का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है, तो रटने की जरूरत नहीं, ये सूत्र याद रखोगे, और एक एमएलए का मत मूल्य होता है 129, क्लियर। इसके बाद में कुल एमएलए का मत मूल्य राजस्थान में कितना होता है 25,800, ये तो राजस्थान का निकला है। ऐसे अपन सभी राज्यों का निकालेंगे, जैसे यूपी का निकालना है तो राज्य की कुल जनसंख्या यूपी की कौन सी रखोगे 1971 की, 1971 में यूपी की जो जनसंख्या थी वो रख दो, बटा कुल निर्वाचित विधायक, यूपी में कितनी विधानसभा की सीटें हैं 403, तो वो रख दो बटा 403 गुणा 1/1000। तो अगर उसको काटोगे यूपी वाली को, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास एक एमएलए का मत मूल्य निकल के आएगा 208, क्लियर है दोस्तों। अब जैसे राजस्थान का देखा, यूपी का देखा, अपने सारे राज्यों का देखा, तो टोटल राज्यों का अगर अपन कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो टोटल राज्य का मत मूल्य निकल के कितना आएगा 5,49,495, 5,49,495 कुल एमएलए का मत मूल्य होता है, याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल एमएलए का मत मूल्य कितना होता है 5,49,495। यह कहां से आया, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देख लो, समझ में यहां से कि दोस्तों अपन ने क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ और एमएलए का मत मूल्य निकालने का सूत्र देख रहे हैं। क्या सूत्र होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक या एमएलए गुणा 1/1000, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष किसे माना गया है 1971 की जनगणना को, कौन से संविधान संशोधन से, तो यह याद रखो 84वें संविधान संशोधन से 1971 की जनगणना को कहां तक यथावत कर दिया 2026 तक, क्लियर। अब जैसे अपन ने राजस्थान का एक एग्जाम्पल दिया आपको कि राजस्थान की अगर एक एमएलए की मत मूल्य की बात करें तो राजस्थान की राज्य की कुल जनसंख्या 1971 में कितनी थी, तो अनुमानित अपने 2.58 या 57 कर दिया, देख लो 71 की जो है उसमें रख देंगे, बटा कुल निर्वाचित एमएलए कितने हैं 200,
गुणा 1/1000, तो कितना आ गया 129, एक एमएलए का आ गया। टोटल राजस्थान में कितना होता है 25,800। इस प्रकार अपन सभी राज्यों का निकालेंगे वही 1971 की जनगणना दे दे करके। क्लियर। अब टोटल एमएलए का जब अपन ने जोड़ा तो टोटल एमएलए का मत मूल्य कितना निकल के आया 5 × 49 = 495। क्लियर दोस्तों। अब सुनना, अब यहां पे थोड़ा सा विशेष पॉइंट देख लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा एमएलए का मत मूल्य किस राज्य का होता है, तो सबसे ज्यादा एमएलए का मत मूल्य है यूपी का, और यूपी का कितना है दोस्तों 208। कहां से आए 208, वही है राज्य की कुल जनसंख्या यूपी की रख दो 71 की, बटा कुल निर्वाचित एमएलए यूपी में कितनी विधानसभा की सीटें हैं वो रख दो, गुणा 1/1000, टोटल कितना आ जाएगा कट करके 208। तो यूपी का मत मूल्य सबसे ज्यादा है 208। क्यों है? क्योंकि 1971 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? यूपी की। क्लियर। दूसरा, सबसे कम मत मूल्य किसका है? तो सबसे कम मत मूल्य है सिक्किम का एमएलए का, और सिक्किम का कितना है 7। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों एक एक पॉइंट आराम से समझ लो जाए। ये तो हो गया एमएलए का मत मूल्य। अब अपन दूसरा पॉइंट देखेंगे, एमपी का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। तो एमपी का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पहले तो ये देखिएगा। तो इसमें लिखा है, सीधा ही बताऊं मैं आपको, कुल एमएलए का मत मूल्य बटा कुल निर्वाचित एमपी। आप तो ऐसे याद कर लो कि कुल एमएलए का जो मत मूल्य है पहले तो वो रखो, बटा कुल निर्वाचित एमपी, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अब ये देखो, कुल एमएलए का मत मूल्य कितना निकल के आया था? कुल एमएलए का मत मूल्य ये रहा आपके सामने, देखो टोटल राज्यों का था 5 × 49 = 495, रख दो साहब, बटा कुल निर्वाचित एमपी। टोटल एमपी कितने, पहले तो ये देखो अपने पास सांसद, लोकसभा में पहले की बात करूं मैं 545, जिसमें 2 मनोनीत थे, यानी आप सीधा याद रख लो 12 सदस्य तो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लोकसभा में थे, और 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को क्या कर दिया है, समाप्त। तो 12 और 2 = 14, इनको निकाल दो, टोटल है 245 और 545, 790 हैं, और 790 में निर्वाचित कितने हैं, 14 बाहर निकाल दो, 12 राज्यसभा वाले और 2 लोकसभा वाले, तो कितने बच गए 776। क्लियर दोस्तों। अब इसको काट दो, कैलकुलेट कर दो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास निकलेगा 708। कितना निकलेगा दोस्तों 708, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जहां एमएलए का मत मूल्य प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है, वहीं एमपी का मत मूल्य प्रत्येक राज्य का समान होता है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, चाहे यूपी की बात कर लो, चाहे कर्नाटक की बात कर लो, किसी का भी। और एक एमपी का मत मूल्य कितना होता है 708, एक एमपी का निकला है। सीधा ही पूछ लिया जाए कि एक एमपी का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है 708। अपने पास टोटल कितने थे? टोटल थे एक एमपी का मत मूल्य 708 और टोटल एमपी अपने पास से 776। तो टोटल निकालो दोस्तों, टोटल हो गया आपका 5 × 49 = 408। ये हो गया कुल एमपी का मत मूल्य। एमएलए का मत मूल्य कितना हुआ 5 × 49 = 495। टोटल एमपी का मत मूल्य कितना हुआ 5 × 49 = 408।
अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतमूल्य मतों का कितना होता है? तो एमएलए का तो कितना था, 5×49=495, और एमपी का कितना है, 5×49=408। टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया, 8×5=13। ये हो गया दोस्तों, कैलकुलेट मेरी थोड़ी गणित कमजोर है, ये हो गया 10,98,903। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल एमएलए और एमपी का क्या होता है, मत मूल्य होता है। तो अब ये बताइए, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, केंद्र प्लस राज्य दोनों को, केंद्र का मतलब एमपी को, राज्य का मतलब एमएलए को। देखिएगा एमपी का मत मूल्य कितना टोटल है, 5×49=408। एमएलए का कितना हुआ, 5×49=495। तो 408 495, यानी समान, थोड़ा मैं निकल बिल्कुल इक्वल है, समान अनुपात में क्या दे दिया गया, प्रतिनिधित्व। यह है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ। अब मेरे साथ साथ जवाब देते रहो, अब जवाब आने चाहिए आपके बिल्कुल। पहला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है, आप बताएंगे, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना, किस किस को, तो आप बताएंगे केंद्र प्लस राज्य दोनों को। केंद्र प्लस राज्य का मतलब क्या होगा यहां पे, तो केंद्र में आप कहेंगे संसद बैठती है, संसद का मतलब है एमपी, प्लस राज्य का मतलब विधानसभा, विधानसभा का मतलब एमएलए, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी प्लस एमएलए भाग लेते हैं, और एमपी और एमएलए का जो मत मूल्य निकालते हैं वो होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व या समान अनुपात में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अब अपन देखेंगे एक एमएलए का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। बोलिए मेरे साथ, पहले तो सूत्र क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित एमएलए या विधायक गुणा 1/1000। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में जनगणना का आधार वर्ष किसे माना गया है, 1971 की जनगणना को, कौन से संविधान संशोधन से, 84वें संविधान संशोधन से 1971 की जनगणना को 2026 तक यथावत कर दिया गया है। अब जैसे अपन ने सूत्र में देखा, राजस्थान का एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, 129, राजस्थान के कुल एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, 25,800। इसी प्रकार टोटल राज्यों का एमएलए का मत मूल्य देखेंगे अपन, तो अपने पास कुल एमएलए का मत मूल्य कितना निकल के आएगा, 5×49=495। क्लियर। इसी में अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एमएलए का मत मूल्य किस राज्य को होता है, यूपी का, कितना, 208। सबसे कम किसका होता है, सिक्किम का, कितना होता है, 7 होता है। क्लियर। अब अपन देखेंगे एमपी का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, तो सीधा याद रख लो, कुल एमएलए का मत मूल्य, टोटल जो एमएलए का मत मूल्य आया था 5×49=495, ये था अपना, तो ये लिख दिया, बटा कुल निर्वाचित एमपी, निर्वाचित याद रखना है, टोटल राज्यसभा और लोकसभा के टोटल एमपी की संख्या 790, जिसमें 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत निकाल दो और 2 एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को निकाल दो, 12 और 2 14 निकाल दो, तो 790 से 14 गए, कितने बच गए, 776। इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक एमपी का मत मूल्य कितना होता है, 708। यह समान रहता है सबका। अब टोटल एमपी कितने हैं, 776 हैं, तो 708×776 कितने हो गए, 5×49=408। अब टोटल मत मूल्य कितना होता है, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया दोस्तों, ये तो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। दोस्तों क्लियर होना चाहिए आपके पॉइंट, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि पॉइंट मैंने आराम से बताया आपको, अगर ये सिस्टम समझ में आया तो राष्ट्रपति का चुनाव आपके समझ में आ जाएगा, और यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों दूसरे शब्द की, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली,
कल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये समझना दोस्तों कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। देखिएगा, दो मत प्रणालियां बताता हूं। वैसे तो काफी होती है मत प्रणालियां, बहुल मतदान भी होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी होता है। भारत में दो प्रकार की मत प्रणालियां अपनाई गई है। एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा जिसे मत प्राप्त होंगे, पहले आओ पहले पाओ, कि जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। जैसे लोकसभा और विधानसभा के अंदर कौन सी मत प्रणाली अपनाई जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली अपनाई जाती है कि जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो जाते हैं वो व्यक्ति विजयी हो जाता है। और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें दोस्तों ये नहीं है कि सबसे ज्यादा मत मिले वो विजयी होगा, नो सर, ये अब अलग है। ये सुनना, अपन जो वोट देते हैं वो देते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए कि जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है वो एमएलए जीत जाता है और वो एमपी जीत जाता है। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, राज्यसभा के चुनाव में अपनाई जाती है और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में अपनाई जाती है। चार जगह, कौन कौन सा बताना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। अब एक तो यह देखो, अपन मत कैसे देते हैं समझना एक मिनट। अपन मत गए सीधा और एक व्यक्ति एक को मत देता है। जैसे अपन किसी व्यक्ति को सरपंच को मत दे के आ रहे हैं, तो अपन जैसे कैंडिडेट खड़े हैं 10 सरपंच के चुनाव में, तो क्या अपन 10 को वोट देते हैं? नहीं, अपन सिर्फ एक ही व्यक्ति को मत दे के आते हैं, 9 को नहीं दे के आते हैं। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, पहला पॉइंट सुनना, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, डीपली नहीं बता रहा हूं मैं इसको, सीधा सीधा सिस्टम समझना है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता अपनी पसंदगी के आधार पर मत देता है। पहला पॉइंट कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो भी प्रत्येक मतदाता है, वोट देने वाले दो ही हैं, एमएलए और एमपी, ये जाते हैं और अपनी पसंदगी के आधार पर मत देते हैं। आगे समझाऊंगा पसंदगी कैसे। दूसरा पॉइंट समझना एक मिनट, प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 वरीयता क्रम में मत देता है और सभी को देता है। अब सुनना, दो पॉइंट, पहले मैं सीधा लॉजिक बता रहा हूं आपको, इसमें पॉइंट यही है लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी देसी भाषा में, जैसे आपकी समझ में आ जाए, कि जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने जा रहे हो और जैसे 3 कैंडिडेट खड़े हैं, सुनना एक मिनट, जैसे ए बी और सी, पहले दो पॉइंट समझेंगे अपन। प्रत्येक मतदाता अपनी पसंदगी के आधार पर मत देता है एवं मतदाता वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 करके सभी को मत देता है।
यानी अपन अगर नॉर्मल चुनाव में जाते हैं तो अपन एक को मत देंगे, लेकिन यदि राष्ट्रपति के चुनाव में अपन शामिल हो रहे हैं और जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो आप तीनों को मत दोगे दोस्तों, सिर्फ एक को मत नहीं देना, तीनों को मत देना है। और किसके आधार पे? वरीयता के और पसंदगी के आधार पे। जैसे एबीसी खड़ा है, आप मत देने गए तो ए बी और सी में जैसे आपको अच्छा लगा बी, कि मेरे हिसाब से बी अच्छा राष्ट्रपति है, तो आपने वरीयता के आधार पे पहला नंबर इसको दे दिया, पसंदगी के आधार पे। आपके हिसाब से सी फिर इसके बाद ठीक है तो आपने इसको दो नंबर दे दिए, और इसके बाद में ए आपको लगा कि यार ये ठीक ठाक है, ठीक, तीसरा नंबर दे देते, गए एक दो तीन दे दिया आपने, एक नंबर बी को दे दिया, फिर दो नंबर सी को दे दिया, तीन नंबर ए को दे दिया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उसके हिसाब से ए सबसे बढ़िया है, एक को दे, एक नंबर दे दिया, बी उसके हिसाब से सबसे नीचे है तो तीन नंबर उसको दे दिया, और सी उसके हिसाब से दो नंबर। इस प्रकार से पसंदगी के आधार पर वरीयता क्रम में मत दिया जाता है। दो पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों, क्लियर हुए या नहीं हुए? एक एक पॉइंट को बड़े आराम से समझना है, क्लियर। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, इस मत प्रणाली में मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। सुनना दोस्तों कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, ठीक, आपने पसंदगी के आधार पर वरीयता क्रम में सभी को क्या दे दिया? मत दे दिया इस प्रकार से। लेकिन इसमें यह नहीं कि सबसे ज्यादा मत मिल गए वो विजय हो गया, नो दोस्तों, नहीं। इसमें वह व्यक्ति जीतेगा जिसको मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त हो जाएगा। अब सुनना, मैं बात कर रहा हूं कोटा प्राप्त करने का सूत्र। अगर मैं ये कहूं कि कोटा प्राप्त करने का सूत्र शॉर्टकट में कितना है, 50% + 1, कि यदि किसी व्यक्ति को आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त हो जाता है, 50% + 1 मत प्राप्त होगा, वही कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित होगा, अन्यथा नहीं। यह तो मैंने सीधा बताया है कि कोटा प्राप्त करने का कितने मत प्राप्त करने होंगे, आधे से एक ज्यादा। अब मैं बात करूं कोटा प्राप्त करने के सूत्र की, तो यह है कोटा प्राप्त करने का सूत्र, कुल वैध मतों की संख्या बटा रिक्तियों की संख्या +1 और +1, यह है कोटा प्राप्त करने का सूत्र। दोबारा सुन लो, कुल वैध मतों की संख्या, जितने मत डले हैं, बटा रिक्तियों, राष्ट्रपति का चुनाव एक पद के लिए होता है दोस्तों, तो अपन इसको 1 + 1 = 2 भी तो कह सकते हैं, तो अपन ये भी याद कर सकते हैं, कुल वैध मतों की संख्या बटा 2, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद नहीं होता है तो आपके ये याद कर लो, बटा 2 + 1। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत पड़े 2500, कल्पना करो। अब एक बात बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत 2500 पड़े हैं तो कोटा, कौन व्यक्ति विजयी होगा जिसको कितने मत प्राप्त हो गए, 50% + 1 कितने हो गए, इसका मतलब है 1251 मत जिस कैंडिडेट को प्राप्त हो जाएंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये निश्चित कोटा प्राप्त करने का सूत्र दिया था थॉमस हेयर ने, किसने दिया था ये सूत्र, थॉमस हेयर ने दिया था, इसीलिए
अपनी इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? हेयर प्रणाली। दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा सुन लो एक मिनट। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता जिस व्यक्ति को मत देगा वो अपनी पसंदगी के आधार पर मत देगा, सभी व्यक्तियों को देकर वरीयता क्रम में देगा। देख लो ये मतदाता पसंदगी के आधार पर मत देता है, वरीयता क्रम में मत देगा। एक दो तीन, जितने का जैसे तीन कैंडिडेट खड़े हैं तो एक दो तीन करते हुए देगा और सभी को देता है। क्लियर। इस मत प्रणाली में मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और कोटा प्राप्त करने का सूत्र किसने दिया था? थॉमस हेयर ने दिया था। इसीलिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। क्लियर। अब विजय कौन होगा? जिसको निश्चित कोटा प्राप्त हो जाएगा। अगर शॉर्टकट कहें तो 50% प्लस एक, और कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है? कुल वेद मतों की संख्या बटा 2+1, इतना याद रख लेना। क्लियर। जैसे टोटल मत थे कितने? 2500 पड़े, सपोज दैट, तो कितने मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी होगा? 1251 मत, यानी 50% प्लस एक मत। ठीक है, अब सुनना दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। यदि प्रथम, अब क्या होता है सुनना एक मिनट, फिर क्या होगी? प्रथम वरीयता की काउंटिंग की जाएगी। किसकी काउंटिंग की जाएगी? प्रथम वरीयता की। जैसे चुनाव में मतदान हो गया, फिर काउंटिंग होगी, तो आपने जैसे ए बी सी, अभी मैंने बताया है ए बी और सी, तीन व्यक्ति खड़े हैं और इसमें मत दे दिया। जैसे मैं गया 2-1-3, फिर दूसरा गया 1-3-2, फिर तीसरा गया 3-1-2, इस प्रकार से अपने पसंदगी के आधार पर मत दे के आ गई। तो अब क्या होगा? प्रथम वरीयता की काउंटिंग की जाती है कि भाई एक को एक नंबर कितने व्यक्तियों ने दिया है, बी को एक नंबर कितने व्यक्ति ने दिया है, सी को एक नंबर कितने व्यक्तियों ने दिया है। ठीक, प्रथम वरीयता की काउंटिंग की जाती है। और यदि प्रथम वरीयता में किसी व्यक्ति को, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसे यदि 50% प्लस एक मत प्राप्त हो जाता है, 50% प्लस एक मत प्राप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति विजयी घोषित हो जाता है। वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? विजयी, और वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। लेकिन अब अपना जो सेकंड स्टेप है वो सुनना दोस्तों आगे, क्योंकि आगे वाली बात ही समझनी, यहां तक तो हर आदमी समझ जाता है। आगे मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन सुनना नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी कैंडिडेट को, या अपन ये कह सकते हैं कि चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को, मतों का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो, सुनना दोस्तों, अब ये दूसरी कंडीशन समझना है कि यदि प्रथम वरीयता में, सुनना, यदि 50% प्लस एक मत प्राप्त हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो वो जीत जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। लेकिन यदि प्रथम वरीयता में किसी कैंडिडेट को, जैसे तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं ए बी और सी, और इन तीनों में से, और कुल मत कितने हैं अपने, कुल मत जैसे सपोज दैट 2500 हैं, कुल मत कितने थे 2500, कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, तीन खड़े हुए हैं, और यदि प्रथम वरीयता में किसी व्यक्ति को 50% प्लस एक मत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो अब सुनना दोस्तों,
द्वितीय वरीयता की, काउंटिंग की जाएगी। प्रथम वरीयता में यदि कोई व्यक्ति जीत नहीं रहा है तो द्वितीय वरीयता की काउंटिंग की जाएगी या द्वितीय चक्कर की मतगणना की जाती है। और जो प्रथम वरीयता में सबके अंत में आया है यानी निचले स्थान पे रहा है उसे हटा दिया जाता है दौड़ से, उसे हटा दिया जाता है तथा उसके द्वितीय वरीयता के मतों का संक्रमण करवा दिया जाता है। सुनना दोस्तों, अब समझना है। प्रथम वरीयता तक तो आपको समझ में आ गया होगा शायद, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि प्रथम वरीयता में किसी कैंडिडेट को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर द्वितीय वरीयता की काउंटिंग की जाएगी, जैसे वीवी गिरी के समय हुआ था। अब द्वितीय वरीयता की जब काउंटिंग होगी तो प्रथम वरीयता में जो व्यक्ति सबसे निचले स्थान पर आया था उसको दौड़ से हटा दिया जाएगा और उसके जो हटाया गया है उसके प्राप्त द्वितीय वरीयता के मतों को या प्रथम वरीयता के मतों को क्या करवा दिया जाता है, संक्रमण करवा दिया जाता है। इसी को अपन कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कैसे संक्रमण होगा दोस्तों, देख लो पहले आराम से एक एक पॉइंट को। अब सुनना दोस्तों, अब मैं इस पूरे प्रोसेस को यहां समझाता हूं। जैसे कुल मत थे राष्ट्रपति के चुनाव में, सपोज दैट 2500 मत थे, पहला पॉइंट। अब राष्ट्रपति कौन बनेगा जिसको प्रथम वरीयता में कितने मत प्राप्त हो जाएं, 50% प्लस एक, बराबर अपन ये कह सकते हैं 1251 मत। ठीक है दोस्तों, इतना प्रोसेस समझना। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इसमें तीन व्यक्ति खड़े हैं, ए बी और सी, ठीक है। राष्ट्रपति कौन बनेगा एबीसी में जिसको 1251 मत प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे अपन गए, सपोज दैट जैसे अपन इसमें मत डाल रहे हैं एमएलए और एमपी, जैसे मैं गया, मैंने क्योंकि तीन व्यक्ति खड़े हैं, वरीयता के आधार पे मत दोगे आप सभी को दोगे, मेरे हिसाब से एक नंबर है, बी तीन नंबर दे दिया मैंने और सी को कितना दे दिया, दो नंबर। फिर जैसे रामजी लाल गया, रामजी लाल जी ने एक को दे दिया दो नंबर द्वितीय वरीयता, बी को दे दिया एक नंबर प्रथम वरीयता और सी का कहा कि भाई मेरे हिसाब से थर्ड। ये वरीयता क्रम में आप मत दे के आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्रथम वरीयता की काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में कि ए को एक नंबर कितने व्यक्तियों ने दिया, बी को एक नंबर कितने व्यक्तियों ने दिया, सी को एक नंबर कितने व्यक्तियों ने दिया, कल्पना करना है। और अपने पास कुल मत कितने हैं, 2500। जीतेगा कौन जिसको 1251 मत प्राप्त होंगे। जैसे एक को प्रथम वरीयता के आधार पे यानी एक एक नंबर एक को 2500 में से कितने व्यक्तियों ने दिया, इसमें दिया दोस्तों 1000 व्यक्तियों ने से एक नंबर प्रथम वरीयता के आधार पे 1000 वोट प्राप्त हो गए। फिर बी को दिए गए जैसे 750 मत प्राप्त हो गई, या पर ये कह सकते हैं जैसे 800 मत प्राप्त हो गई,
और सी को प्रथम वरीयता के आधार पर प्राप्त हो गई 700। अब एक बात बताओ, यदि प्रथम वरीयता में ए बी और सी में से किसी को 1251 मत यही प्राप्त हो जाते तो द्वितीय वरीयता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब एक बताओ, ए को 1000 मत मिले, बी को 800 मत मिले, सी को 700 मत मिले, टोटल मत 2500 थे, क्या किसी व्यक्ति को 1251 50% प्लस एक मत प्राप्त हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, द्वितीय वरीयता की काउंटिंग करेंगे। और सबसे जो निचले स्तर पर आया है, सुनना, इन तीनों में सबसे नीचे स्थान पे कौन था? देखो, सी है। इस सी को इस दौड़ में हटा देंगे और इसके जो 700 मत प्राप्त हुए हैं उन 700 मतों का क्या करवा दिया जाएगा? ए प्लस बी दोनों में संक्रमण करवा दिया जाएगा। कैसे संक्रमण होगा अब यह समझना है। जैसे 700 हैं, अब एक बात तो सी को एक नंबर में 700 मिले तो सेकंड नंबर भी तो कोई दिया होगा सी को, द्वितीय वरीयता भी तो, और थर्ड वरीयता भी किसी व्यक्ति ने दी होगी, जैसे सी को 2, 3 और एक नंबर भी दिया होगा। अपन ने तो एक नंबर वाली मतगणना ही तो की है, एक नंबर वरीयता की, और एक नंबर वरीयता में कितने मिले? 700। अब इन्हीं 700 में जिन्होंने एक नंबर दिया है, सी को तो एक नंबर दिया है इसने 700 ने, लेकिन ए और बी को 2 या 3 नंबर तो दिए होंगे। क्लियर, ये करनी है दोस्तों, क्योंकि 700 ने सी को तो क्या दे दिया? एक। लेकिन 700 में से ही ए को भी किसी ने 2 दिया होगा और बी को भी किसी ने 2 दिया होगा। और सपोज दैट इन 700 में से ए को दिए 2 नंबर 400 व्यक्तियों ने और बी को दिया 2 नंबर 300 व्यक्तियों ने, तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे, 400 ए वाले में जुड़ जाएंगे और 300 बी वाले में जुड़ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 700। तो इसमें द्वितीय वरीयता में 400 यहां जोड़ दो और 300 यहां जोड़ दो। तो दोस्तों यहां पे द्वितीय वरीयता में ए के पास कितने मत हो गए? 1400 और बी के पास कितने मत हो गए? 1100। चाहिए कितने थे? 1251। इसलिए विजय कौन हुआ? ए, यानी ए भारत का क्या बन गया? राष्ट्रपति। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? यह था अपना अनुच्छेद 55। धन्यवाद। राम राम।